सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने फोन के अंदर डीजे म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने फोन के अंदर डीजे म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डीजे म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम और शर्तों का ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने फोन के अंदर डीजे म्यूजिक सॉन्ग प्ले कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं और कुछ सामान जो आपको चाहिए वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको, अगर आप इस ऐप के नियम और शर्तों को पूरा करोगे तभी आप अपने फोन के अंदर एक अच्छा बेस म्यूजिक प्ले कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन मिलेगा, तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, फिर आपको नीचे जाना है और आपको एक छोटा सा कमेंट टाइप कर देना है। तो चलिए, वो कमेंट क्या है, आपको यहाँ पर टाइप करना है डीजे म्यूजिक, फिर आप इस कमेंट को सेंड कर दीजिए। अब कमेंट सेंड होने के बाद चलिए हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने फोन पर डीजे म्यूजिक प्ले करना चाहते हो उसके लिए आपको सिंपल सी एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहां पर जाकर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको कुछ परमिशन देनी है। तो यहां पर नीचे मिला ग्रांट परमिशन, तो आप यहां पर क्लिक कीजिए और इस ऐप की कुछ परमिशन को कंप्लीट कर दीजिए। फिर यहां पर आपके सामने आपके सभी सॉन्ग आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर आप किसी भी सॉन्ग को प्ले करोगे तो कुछ इस तरीके से ये सॉन्ग आपका प्ले हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपको कुछ सेटिंग करनी होगी और यहां पर आपको कुछ सामान आपके साथ होना जरूरी है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको सामान भी दिखाया था। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से म्यूजिक को प्ले करना चाहते हैं, आपके पास क्या गैजेट है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ सेटिंग और दिखा दूँ। इस तरह का आपका MP3 प्लेयर होगा, यहाँ पर आप सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इक्वलाइजर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर काफ़ी सेटिंग मिल जाएगी। लेकिन एक सेटिंग जो मेन है वो सेटिंग मैं आपको बता दूँ। उस सेटिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको नीचे एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, तो आप एक बार उस सेटिंग के आइकन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर अगर आप डीजे म्यूजिक को प्ले करना चाहते हैं, आपको अच्छी क्वालिटी में 3D डीजे म्यूजिक चाहिए, तब आपको ये सेटिंग एक्टिवेट करनी जरूरी। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑफ, एक बार इसको ऑन कर देना। इसके लिए आपके पास एक हेडफोन होना जरूरी है, या आपके पास आप हैंडसेट होना जरूरी है, या आपके पास होम थिएटर होना जरूरी है, या आप इसको किसी भी कार सिस्टम में प्ले कर सकते हैं। ये आपको चारों ऑप्शन का आपके पास एक ऑप्शन होना जरूरी है। ये तो आप किसी वायरलेस हेडफोन का भी यूज कर सकते हैं, कार ऑडियो का यूज कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन होना जरूरी है, तभी आप 3D म्यूजिक का मजे ले पाएंगे। अगर आपने के पास किसी भी एक ऑप्शन है, आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप अपने म्यूजिक को प्ले कीजिए, बाकी आपको ऐसे महसूस हो कि आप डीजे म्यूजिक सुन रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग और मिलेगी, यहाँ पर आप अपनी उन सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने सेटिंग को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ 3D इफेक्ट और मिलेंगे, यहाँ से आप उन 3D इफेक्ट की भी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस ऐप के अंदर आपको काफ़ी सेटिंग मिल जाएंगी, इन सेटिंग को आपको बारी बारी से यूज़ कीजिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा डीजे म्यूजिक मिलता है। दोस्तों, ये ऐप काफ़ी बेस्ट है। अगर आपके पास कोई कार सिस्टम है, या आपके पास एक अच्छी सी हैंड फ्री है या हेडफोन है, तो आप इस ऐप को यूज कीजिए, फिर आप किसी भी म्यूजिक को प्ले कीजिए, आपको वो म्यूजिक 3D में सुनाई देगा। तो इस तरीके से आप अपने फोन पर डीजे म्यूजिक मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। सो फिर मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।